फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दार बोल रही हूँ। आज हम पेट के बारे में जानेंगे। पेट क्या है? तो पेट मीन्स पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। इसमें हम देखेंगे कि एक्सपोजर के बाद ऐसे कोई दवा है क्या जिससे आगे जाके HIV नहीं हो सकता है, और उसमें ही हम देखेंगे कि HIV नहीं होने के लिए कौन से टैबलेट्स देते हैं, दूसरा कितने दिन देते हैं, और उसके स्ट्रैटेजी क्या है, यह आज हम ये सेशन में देखेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, आज मैं आपको पेप के बारे में बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने ये सब्जेक्ट लेने के लिए इंसिस्ट किया था। तो आज हम पेप के बारे में देखते हैं। ता है कि हम सेक्स वर्कर्स जो होते हैं उनसे संबंध तो रखते हैं, एक्सपोजर होता है, लेकिन आप लोगों को सामने वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये मालूम नहीं पड़ता, और उसकी वजह से क्या होता है, आपके मन में डर पैदा होता है कि मुझे आगे जाके HIV तो नहीं होगा। तो मेरे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उनको पेशेंट तो नहीं बोल सकते, क्लाइंट आते हैं, और फिर वो थोड़े डिप्रेस भी होते हैं, थोड़े पैनिक हुए होते हैं, और वो बोलते हैं मैडम ऐसा ऐसा एक्सपोजर हुआ है, तो क्या मैं HIV पॉजिटिव हो जाऊंगा? तो उसके जो स्टेप बाय स्टेप जो हम इवैल्यूएट करते हैं वो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो पहले जब एक्सपोज हुआ क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसको हिस्ट्री पूछते हैं, और उनको पूछते हैं कि सामने वाला जो पार्टनर था वो HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास एक्सपोज विक्टिम्स आते हैं वो बोलते हैं नहीं, उसके बारे में हम लोगों को मालूम नहीं होता है। तो अगर उनको ये मालूम नहीं होता है तो हम उनको थरली एग्ज़ाम तो करते हैं, एग्ज़ाम करते हैं ना, जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, और उनको काउंसलिंग करते हैं कि पेप देने में क्या है, वो कैसे देते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये हम बताते हैं। तो जब कोई विक्टिम हमारे पास आता है तो पेप देने का जो प्रोसीजर है उसमें फर्स्ट किसी को भी अगर एक्सपोज हिस्ट्री है तो विद इन 72 आवर्स, यानी 3 दिन के पहले अगर वो हेल्थ केयर सेक्टर में आता है तो उसको पेप देके उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर आपको ऐसा डाउट है कि सेक्स तो किया है लेकिन वो आगे वाला पार्टनर पॉजिटिव हो सकता है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी नज़दीक के गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में जाइए। और उसमें क्या होता है कि फर्स्ट जब आते हैं तो मैंने बोला कि काउंसलिंग करते हैं, बाद में एक हम फॉर्म भर के लेते हैं। मैंने पहले सेशन में बोला था कि इन्फॉर्म कंसेंट फॉर HIV टेस्टिंग मस्ट है, क्योंकि जब वो विक्टिम आता है तो उनका भी पहले HIV टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये वो स्टेज पे देखना ज़रूरी होता है। दूसरा, उनका फॉर्म जो एक्सपोज वो पेप लेते हैं उसका एक फॉर्म भी होता है, वो भी उनको भरना पड़ता है। और ये जो स्ट्रैटेजी है वो हम डिटेल में उनको बताते हैं। वो फॉर्म भरने के बाद हम उनको जो पेप का जो गोली है वो देते हैं, और वो गोली हर रोज़ एक ही खाने की है, लेकिन वो 28 डेज तक खानी पड़ती है। और उनको फॉलोअप के लिए उनको थ्री पहला ये जो किया फर्स्ट 0 इसमें HIV करते हैं, फिर 6 वीक्स में करते हैं, और फिर 24 वीक्स में भी करते हैं उनका HIV का टेस्ट, क्योंकि ये जो है मीन्स एक 12 वीक्स में करते हैं, 24 वीक्स में करते हैं, और 6 वीक्स में करते हैं, उनका ये 3 बाद में HIV का टेस्ट होता है। और 28 डेज कंप्लीट हो जाने के बाद पेप के
उनको हम 6 मंथ तक बुलाते हैं और उनका उनको बोलते हैं अगर इसके बाद आपको अगर किसी से सेक्स रखना है तो कंडम यूज़ कीजिए, मीन्स अनसेफ सेक्स मत कीजिए, कंडम रखिए। तो ये जो है ये हमने आपको बताया कि ये मैंने शॉर्ट में लिया है कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन है इतना बड़ा प्रोसीजर और इनका नाम आने से, क्योंकि वो फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, तो कोई क्लाइंट होता है विक्टिम, वो बोलता है मुझे नहीं लेने का है। तो नहीं लेने का है तो ऑलरेडी हमने अगर फॉर्म उनके फिलअप किए हैं तो उसके ऊपर वो लिखना चाहिए कि विक्टिम रिफ्यूजेस, मीन्स उन्होंने मना किया है पेप के लिए। तो ये जब करते हैं हम तो उनको हम बोलते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ एक बोलना है कि जो सेक्स वर्कर्स है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, और हमारे इधर ऐसे बार बार आए सेक्स वर्कर्स है, और हम उनको काउंसिल करते हैं कि जब भी आप क्लाइंट के साथ सेक्स करते हैं तो उनको कंडोम यूज़ करने के लिए बोलो, ताकि आपका जो HIV है वो उनको ना होए। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मैडम अगर हम बताएंगे कि हम HIV पॉजिटिव है तो हमारे पास कोई नहीं आएगा और हमारा रोजगार फिर कैसे चलेगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर सेक्स वर्कर्स में है तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए और कंडम यूज़ करके सेक्स कीजिए, क्योंकि ये बहुत भयानक है और इससे HIV ज़्यादा फैलता है, क्योंकि कभी कभी वो लोग दवा भी बराबर खाते नहीं हैं, और हम इतना उनको काउंसलिंग करने के बाद वो बराबर दवा नहीं खाते और उसका ट्रांसमिशन होता है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ HIV ही सेक्स से नहीं होता है, तो हिपेटाइटिस बी भी होता है, HCV भी होता है, मीन्स हिपेटाइटिस सी भी होता है। तो जब क्लाइंट विक्टिम हमारे पास आता है तो हम ये दोनों HIV के साथ टेस्ट करते हैं, बेसलाइन भी उनका ये करते हैं टेस्ट। तो व्यूअर्स मुझे लगता है कि आज के दिन आपको ये समझा होगा कि पेप क्या है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है, तो उससे अच्छा रिजल्ट भी आता है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।